शुक्रिया भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने। भैया नवभारत से टाइम्स नाउ से टाइम्स नाउ वाले ना, ये भी कह रहा था। इन्होंने तो लिखवाया है, शुक्रिया कह दो इन्हें, बढ़िया वाला। घर ना तोड़े जाए, हल्द्वानी अतिक्रमण मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर रोक, सुप्रीम कोर्ट का राज्य सरकार और रेलवे को नोटिस। गोदी चैनल रिपोर्टर्स की प्यार से फजीहत का वीडियो वायरल। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 5 जनवरी को हल्द्वानी जमीन अतिक्रमण मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को राहत देते हुए उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सुनवाई के दौरान जस्टिस ने कहा, हम रेलवे और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर रहे हैं, वहाँ और अधिक कब्जे पर रोक लगे, फिलहाल हम हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा रहे हैं। जस्टिस ने आगे कहा कि एक महीने बाद अगली सुनवाई होगी। हल्द्वानी में अतिक्रमण पर अब रोक लगा दी गई है, 7 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें टाइम्स नाउ चैनल के रिपोर्टर्स को स्थानीय लोग शुक्रिया कहते नजर आ रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग रिपोर्टर से पूछते हैं कि आप नवभारत टाइम्स से हो या टाइम्स नाउ से, रिपोर्टर्स कहते हैं टाइम्स नाउ। आगे स्थानीय लोग रिपोर्टर्स को कहते हैं, शुक्रिया आपने हमें जिहादी कहा, आपने यहाँ के लोगों को जिहादी कहा, आपका इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है। और कैसा लगा, चाय पियेंगे, जिहादियों के बीच में कैसा लग रहा है तुम्हें? एक और शख्स इस पर कहता है, जिहादियों के बीच में सेफ है ये। शुक्रिया भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने। भैया नवभारत से टाइम्स नाउ से टाइम्स नाउ वाले ना, ये भी कह रहा था। इन्होंने तो लिखवाया है, शुक्रिया कह दो इन्हें, बढ़िया वाला। आपने हमें जिहादी कहा, आपने शहरियों को जिहादी कहा, आपका इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है। और कैसा लगा आपको, चाय वाय पियेंगे यहाँ पे, कैसा लग रहा है जिहादियों के बीच में, कैसा लग रहा है तुम्हें? चलो जिहादियों के बीच में। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स की अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। ड्रंक जर्नलिस्ट नाम के ट्विटर हैंडल से लिखा गया, ये बिल्कुल सही तरीका है टाइम्स नाउ पत्रकारों को शुक्रिया कहने का। पत्रकार प्रभाकर कुमार मिश्रा ने लिखा, गलती करे एडिटर, ऑफिस में बैठे लोग और जलील होना पड़ता है फील्ड रिपोर्टर्स को, शर्मनाक है ये। स्मृति रंजन नाम के एक ट्विटर हैंडल से लिखा गया, ये ठीक नहीं हुआ उनके साथ, क्योंकि ऊपर से अगर ऑर्डर आए तो वो बेचारे क्या करे। सागर सोलंकी नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, झुकी नजरें और लफ्जों का सन्नाटा बता रहा है कि काम तो गलत किया है इन्होंने। आपको बताते चले कि सुनवाई के दौरान जस्टिस कॉल ने पूछा कि उत्तराखंड सरकार के वकील कौन है, कितनी जमीन रेलवे की है, कितनी राज्य की, क्या वहाँ रह रहे लोगों का दावा लंबित है। जस्टिस ने आगे कहा, इनका यानी कि याचिकाकर्ताओं का दावा है कि बरसों से रह रहे हैं, ये ठीक है कि उस जगह को विकसित किया जाना है, लेकिन उनका पुनर्वास होना चाहिए। वहीं याचिकाकर्ता पक्ष के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कोर्ट को बताया कि पहले रेलवे ने 29 एकड़ कहा था, लेकिन फिर 78 एकड़ कहने लगा। एएसजी ने कहा कि इन लोगों ने कभी पुनर्वास का अनुरोध नहीं किया और ये जमीन को ही अपना बताते हैं। जस्टिस ओका ने कहा, ठीक है हाईकोर्ट ने आदेश दिया, लेकिन किसी अथॉरिटी को इन लोगों की बातें सुनकर निपटारा करना चाहिए। वहीं जस्टिस कॉल ने कहा, दो तरह के लोग हो सकते हैं, एक जिनका दावा बनता है, एक जिनका कोई दावा नहीं बनता। आपको जमीन को कब्जे में लेकर विकसित करने का हक है, लेकिन सबको सुनकर बीच का रास्ता निकालना चाहिए। ऐश्वर्या भाटी रेलवे के लिए पेश हुई, उन्होंने कहा कि ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ है और पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन हुआ है। वहीं जस्टिस कॉल ने कहा, लेकिन मानवीय आधार पर मामला देखना चाहिए, तब तक सुनिश्चित करे कि और कोई निर्माण ना हो। जस्टिस ने ये भी कहा कि आप पैरामिलिट्री फोर्स की मदद लेकर एक हफ्ते में खाली करवाना चाहते हैं, इस पर विचार कीजिए। आप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की हर वायरल अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके।